Now, viewers, in fact, the farmers' protest has intensified at the Shambhu border, where the march by the farmers has begun, and 101 jatha of the farmers has intensified while the police and the protesting farmers get into verbal altercation at Punjab-Haryana-Shambhu border. Police has also used the tear gas to disperse the protesting farmers. Police say that farmers don't have permission to move towards Delhi, while also erecting barricades and nails being fixed on the border areas. The farmers are asking for the permission letter the police have that now allows them to enter the Punjab border. Authorities have stopped the farmers who were marching towards New Delhi at the Haryana-Shambhu border. Security has been heightened at Shambhu to stop the farmer. Let's now listen in. ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਫਾਈਲ ਕਰਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇੱਧਰ ਧਾਰਾ 165 ਬੀਐਨਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਫਾਈਲ ਕਰਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ पहले अपनी लिस्ट दीजिए आपके कहने से कोई कुछ नहीं होगा ऐसे आपके कहने से कुछ नहीं होगा आप साइड में साइड अप हो जाइए आप अपना नाम बोला नाम बोलने के मुताबिक आइए मनप्रीत नक्षत्री बोले कोई भी मनप्रीत परमिशन दिखाइए आप आपके पास कहाँ से परमिशन आई यहाँ आने की ये पंजाब की धरती है पंजाब में आती है आप परमिशन दिखाइए हमको आप परमिशन आप परमिशन दिखाइए तीन आदमी के नाम बोले एक भी आदमी अगर आया हो तो बताइए परमिशन की बात करिए आप परमिशन की बात की है पहले आप परमिशन दिखाइए आपके पास कहाँ से परमिशन आई हमारे पंजाब में आने की पहले परमिशन की बात करिए नाम बाद में बताएंगे यहाँ कोई बात पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि धरती पंजाब के हरियाणा की है ऐसा कुछ नहीं है उसका नहीं आपने क्या बोला ये कह रहे हैं कि पहचान दिखाओ हमने बोला कि हम सब आपको पहचान भी दिखा देंगे पर आप हमको ये तो गारंटी दें कि आप पहचान पत्र दिखाए हम आपको आगे जाने देंगे जब आगे जाने की बात आती है तो बोलते हैं कि दिल्ली की तरफ से आपके पास परमिशन नहीं है यदि आपने जाने नहीं देना तो हम पहचान क्यों कराएं भाई क्यों आपका आधार कार्ड लाइन में लग जाएं और दिखाएं भी ये देखिए मेरा कार्ड हाँ आप मीडिया वाले बंधु सभी जाएं वहां उनसे बोले हैं कि वो पहचान कराने के लिए तैयार हैं सभी किसान एक एक का नाम देंगे हम तलाशी भी ले लें हमारी सब कुछ कर ले पर गारंटी हो कि ये जत्था आगे जाने देंगे दिल्ली जाने देंगे All right, my colleague Aditya Kumar, live from Shambhu border, joins me on the broadcast. As police has resorted to using the tear gas to disperse the farmers, while farmers are maintaining that they need to be shown the permission to move forward. What is in fact, Aditya, at this point, the bone of contention, are they being allowed through any negotiations or not? जी सर मैंने ये आज का जो डेवलपमेंट है ये बड़ा डेवलपमेंट है कि कम से कम आज बातचीत बॉर्डर पे की जा रही है जिस तरीके से बीते दिनों हुआ था यानी 6 तारीख को जिस दिन ये निकले थे आगे और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी एक जो कसम एक एक जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी पुलिस वाले ने भी जबरन तो बल प्रयोग किया था उसके बाद किसानों ने भी थोड़ा सा इस तरीके से स्थिति उत्पन्न कर दी थी लेकिन आज जिस तरीके से बातचीत हो रही है ये एक सकारात्मक चीज नजर आई है जिसमें ये बताया जाए लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि 101 लोगों की लिस्ट जो जारी की गई थी सुबह में कि वो पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे लेकिन पुलिस का कहना है कि ये वो जो लोग हैं वो लोग नहीं है हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे तभी जाने दिया जा सकता है तो एक तरफ ये पुलिस कह रही है कि आदेश नहीं लिया गया है और इधर जो किसान है वो कह रहे हैं कि हमें आप आदेश दे नहीं रहे हैं तो इस तरह की स्थिति के बीच में जो आज जो डिस्कशन हुई है ये एक बहुत ही सकारात्मक है हो सकता है कि कुछ हल इसका निकल करके आए लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि पुलिस की एक ये हो कि बातचीत करके किसी तरीके से हल निकाला जाए और जिधर गवर्नमेंट के लोग हैं वो थोड़ा सा समय मांग रहे हो या आपस में उनकी कुछ बातचीत हो रही है जिसके बाद यहाँ पर जो है हल निकाला जाए तो ये भी हो सकता है लेकिन आज जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है 12 बजे का समय दिया गया था अब 1 बज चुके हैं इस समय तक अभी तक किसी तरीके से कोई भी बल प्रयोग ना तो किसानों की तरफ से किया गया है आगे बढ़ने के लिए और ना ही पुलिस की तरफ से भी कुछ किसी तरीके की जो जबरदस्ती है वो नहीं की गई है तो स्थिति सामान्य है बातचीत के बाद आगे क्या हो पाता है ये देखना है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है
वो बहुत सख्त है, क्योंकि आप ये जो हाईवे है, इस हाईवे पे पिछले 10 महीने से 11 महीने से किसान लगातार बैठे हुए हैं। उन्होंने एक टेम्पररी जो जगह होता है रहने के लिए अपनी गाड़ियां यहाँ रखी हुई है, ट्रैक्टर ट्रॉली और झोपड़ी बना के रखा हुआ है उन्होंने। तो इस हिसाब से जिस तरीके से पुलिस ने व्यवस्था की हुई है, तो आगे जाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हम किसानों से बात कर रहे थे, किसानों का साफ कहना है कि अगर हमें इस तरीके 6 तारीख को हमें रोका गया तो हम 8 तारीख को जा रहे हैं, इसी तरीके से आज हमें रोका जाएगा, फिर हम कल जाएंगे, कल रोका जाएगा, फिर परसों जाएंगे। यानी कि किसान इस बार जो है जिस तरीके से इनकी बातें हैं, जिस तरीके से ये प्लान बता रहे हैं मीडिया से या हमसे कि हम लगातार कोशिश करते रहेंगे आगे जाने के लिए, उसी हिसाब से पुलिस को भी यह जानकारी है कि किसान जो है इस बार किस तरह तैयारी में है या किस तरीके की तैयारी में है। क्योंकि जैसे पहले भी हमने दर्शकों को बताया है कि किसानों की तरफ से जो इनपुट मिले हैं स्थानीय पुलिस को, उस हिसाब से पुलिस सख्त है, पुलिस ने अपनी व्यवस्था सख्त कर रखी है, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो ऐसी पूरी जो है पुष्टि की जा रही है। साथ ही ये भी कहना है किसानों का कि और भी लोग जो है ट्रेन में भर के जो लोग आ रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों से, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों से किसान आंदोलन के समर्थन में, तो ये भी एक जो है बात कही जा रही है। तो इसको देखते हुए इसी तरीके से किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश पुलिस कर रही है। दिल्ली में प्रवेश करना तो बहुत कठिन बात है, 250 किलोमीटर का जो पैच है इसमें हरियाणा से पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं और हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, तो उतना भी जाना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग जो लगाए उसको किसानों को पार करना पड़ेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे जा पाएंगे। जी सुनो। All right, Aditya, thank you for adding these details. Well, in fact, the police has resorted to tear gas shelling as more ambulance and, in fact, emergency medical services have been readied. Aditya, I'll request you to kindly stay on with us while I also get more guests on, in fact, the broadcast. Himanshu Bhatt, senior journalist, joins me live on the broadcast. Sir, appreciate you speaking to NewsX. While, in fact, this is not something new, this is just a repeat of what the farmers' agitation earlier in the 2020 had looked like, but at the same time, the repetition of this protest hints at one thing, that the center farmer talks have failed previously. Your thoughts? The center farmer talks can only take place if farmers understand a basic thing, that Punjab farmers are not the only farmers in the country. And another thing is, government has been telling them very rationally that please don't try and come to Delhi and, you know, try and choke Delhi. You want to do this pressure tactic? Then go ahead. Then we will not let you go. It's as simple as that. There is a solution to everything if you, you know, sit on the table and negotiate and talk about your problems. But you talk about flimsy things, that you want this, you want that, you want this, you want that, as if they are the only ones in the country. It doesn't happen that way. Every sector, every person must realize that they have certain demands. Yes, they have demands. But how many of their demands are legitimate demands? The legitimate demands will be looked after. You can't be asking the government that government cannot give. It's as simple as that. अरे भाई आप अन्नदाता हो, यू कॉल योर सेल्फ यू नो फूड प्रोवाइडर, बट देन अदर पीपल आर ऑल्सो अर्निंग, अदर पीपल आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कंट्री, यू आर नॉट द ओनली वन, एंड विच फार्मर डजंट सीम टू अंडरस्टैंड। एंड माई क्वेश्चन, माई गुड क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, आर दिस ऑल दिस पीपल आर फार्मर्स, आर दे ऑल द फार्मर्स? Who is providing them the finances and the money to create such a ruckus? My basic question is that government needs to handle them with a rough hand and tell them exactly and find this one out. Who is providing them the money? Last time around in the farmer situation, we saw who was providing them money. How can a 20 lakh or 50 lakh rupee car used in the registration with all the, you know, decorated into a small tank? How can you do that? You want to play hardball? People will play hardball. The government, this is not the government of 15 years ago, which will just bow down. And we know exactly, I will tell you, Simran, one thing. First things first, provide
information of the finances that you have been getting to make this agitation happen. All right. Mr. Manchubert, thank you for adding these details and giving us, in fact, your perspective. Now, tracking other developments where farmers resumed their Delhi Chalo march and currently farmers are moving ahead and are stopped by the police. Haryana police officials have been deployed at the site, stated that they will first identify them and then we can allow them to go ahead. Haryana police official deployed at the site stated that they have a list of names of 101 farmers and they are moving ahead as a mob. Let's now listen in. पहले इनको identify करेंगे, permission देखेंगे, तब जाने दे सकते हैं। लिस्ट आई थी, ये वो आदमी नहीं है जो लिस्ट में नाम है। 101 आदमी होगी। ना अपनी पहचान ही नहीं करा रहे, यानी कि ये मौत के शेप में आ रहे हैं। हाँ जी, permission, उसके बाद permission check करेंगे। All right, my colleague Aditya joins me live from Shambhu border. Aditya, show us the visuals of, in fact, the negotiations that are underway at the border. While at one hand, the Haryana police maintains that they need to first check the identity of the farmers who are protesting and then only proceed ahead with letting them go ahead. जी सर, मैं भी मौजूद हूँ बॉर्डर के पास में। आप ये देखेंगे, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पे जत्था बना के बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हाथ में झंडा लिए हुए हैं कि आगे तक बढ़ पाएंगे। आप देखेंगे खेत में, आपको दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको किसान बैठे हुए दिखाई देंगे और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये पूरी जो सड़क है उसको बंद किया गया है आगे, क्योंकि पुलिस ने भी दोनों तरफ से बंद कर रखा है। एक तरफ से पंजाब पुलिस ने रोक रखा है, एक तरफ से हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है। अभी बातचीत चल रही है, साफ कहना है पुलिस कर्मियों का कि जब तक कि हम वेरीफाई नहीं कर लेते, जो लिस्ट हमें दी गई है उस लिस्ट को जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ने दे सकते। आप ये देखेंगे लगातार जो है किसान बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाई देगा वहां से सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि वहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो हमें थोड़ा सा दूर पे आके आपसे बात करने की जरूरत महसूस हुई तो हम थोड़े से दूर पे आए, लेकिन वहां पे सारी चीजें हैं वो चल रही हैं। कि आप देखेंगे हॉस्पिटल्स की जो एम्बुलेंस हैं वो लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था जो है सब कुछ किसानों की तरफ से भी पूरी कर ली गई है, साथ ही जो पुलिस व्यवस्था है वो भी सख्त कर ली गई है, लेकिन बातचीत का दौर जो है चालू है। कम से कम ये इस बार, जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार बातचीत चलने की ये जो एक प्रक्रिया, ये एक अच्छी प्रक्रिया है कि कल 6 तारीख को जिस तरीके से वाद विवाद शुरू हुआ था और जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें हुई और उसके बाद जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद 16 लोग घायल हुए, इसमें 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसी स्थिति में आज पहली बार बातचीत हो रही है, ये अच्छी चीज है। हम कोशिश करेंगे और आपको तस्वीरें दिखाने की, जैसे ये देखेंगे ये सब किसान, हम लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, कि कब तक जो है ये वेट करेंगे, क्या आगे की रणनीति होगी। किसान हैं आप? किसान हैं कहाँ? पटियाला से। अभी बातचीत चल रही है कुछ? क्या कुछ बातचीत चल रही है? हाँ। अभी कुछ पता नहीं है। क्या प्लान किया है? आगे ले लो यार किसको। आप बताइए क्या कुछ प्लान तो किया होगा, कुछ तो आगे जाने का। अरे देखते हैं, बातचीत चल रही है सरकार उसके साथ, हरियाणा सरकार के साथ। तो कुछ आप लोगों के नेता से बात हुई है, किसी किसान नेता से? नहीं, कर लो यार भाई। ठीक है, दूसरा और से बात कर लेते हैं और आपसे बात करेंगे। अभी जो बातचीत चल रही है कुछ कंक्लूजन निकला है? कुछ बातचीत हुई है अभी? नहीं अजय, कोई नहीं अजय, तो लिस्ट का रौला पा रहे हैं। हाँ। कोई अजय फैसला नहीं हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो लिस्ट आप लोगों ने बनाई थी उनको दी, फिर भी लिस्ट वो जान के बहाना बना रहे हैं। हाँ। भी ये टाइम निकाल रहे हैं, जाने तो देना नहीं है, उसके बहाना बना रहे हैं। बनने के बाद कभी कोई बना लिया, कभी कोई बना लिया। लिस्ट बनाने से पहले कुछ आप लोग की पुलिस से बात हुई थी कि हम किसका किसकी लिस्ट बना रहे हैं? उन्होंने दिया है सारा, पार्टियां ने सारा दिया है, उसको डाटा दिया है, तो पुलिस जान के खराब कर रही है। आप सुन रहे थे, इनका साफ कहना है कि पुलिस जो है बहाने कर रही है कि किसी तरीके से उनको आगे तो जाने नहीं देना है, तो बस ये दिन काट रहे, समय काट रहे हैं कि किसी तरीके से। कुछ बातचीत हुई? कहाँ आप कहाँ के रहने वाले ये तो बता दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं, तो अब देख रहे हैं कि ये सब जो किसान हैं ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से आगे की बातचीत हो, तो जो किसान हैं ये आगे की तरफ मूव करेंगे, हाथ में झंडा लिए हैं कि किसी तरीके से बातचीत होगी तो आगे जाएंगे। लेकिन किसानों का साफ कहना है, क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह जी। तो कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? इतने 10 महीने से। 10 महीने से ही बैठे हैं?
आज का क्या प्लान? आज का प्लान था जो असल सरकार का प्लान है, साढ़े तो क्या प्लान है, साढ़ा हमने तो बचाया था कि हम कुछ मांगे। All right, now viewers, in fact, that was a conversation with my colleague Aditya from Shambhu Border live. In fact, the negotiations between farmers and the Haryana police is going, as the Haryana police is now checking the list of those 101 farmers who have been permitted to allow to move ahead towards Delhi. As farmers have resumed their Delhi Chalo march and are moving towards the national capital, police have beefed up the security and barricades have been installed. Delhi and Haryana police are also currently on high alert, while there have been arrangements made on the borders of Delhi as well, where Delhi police is also on a high alert to check if at all the farmers are being allowed to move ahead. All right, viewers, now in fact what we are given to understand that Delhi police is also currently on a high alert at the other borders, where it is being seen that all right, viewers, now my colleague Aditya is joining me live on the broadcast. Aditya, what is the security in fact saying, as you have tried to speak to them? There have been cops that have been deployed in every direction and in every border. And when we talk about this Delhi side, Delhi police also has maintained a high vigil on the border areas from the UP border as well. There have been arrangements made that there should not be attempts of trying to come towards Delhi. All right, viewers, now also shifting our focus to other developments.